ओके गाइस, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको बैंक के एग्ज़ाम में मिलेगा, स्पेशली कह सकते हो क्लर्क के एग्ज़ाम में मिलता है, चाहे IBPS क्लर्क हो, SBI क्लर्क हो, या जो भी क्लर्क एग्ज़ाम होगा उसमें मेनली आपको प्री के क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, इन द वर्ड प्रोड्यूस, ठीक है दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम, मतलब कि प्रोड्यूस में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर हैं जिसके उतने ही लेटर हैं बीच में गिवन वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। जैसे कि सपोज करो डी है और एफ है, तो इनके बीच में कितने, एक डी एफ एक होता है, तो वैसे ही बीच में एक ही लेटर होना चाहिए प्रोड्यूस के बीच में। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के अंदर प्रोड्यूस, इस पे ध्यान दो, ओ है तो पी, चाहे रिवर्स ऑर्डर किसी, या तो इधर से हो या फिर इस साइड से हो, किधर से भी चलेगा। तो अब देखिए क्या है आपके पास, प्रोड्यूस है ना, तो प्रोड्यूस को ऐसे पहले लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं, उसी क्वेश्चन में ही हो जाता है, खैर आपको खुद वहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो प्रोड्यूस में देखिए क्या है, अब यहाँ से देखिए डी है तो डी ई यहाँ होता तो हो जाता, सी डी नहीं होगा, ओ पी यहाँ भी नहीं होगा, पी है, क्यू है, आर है नहीं है, एस है, टी है नहीं होगा, फिर यहाँ देखो आर है, एस टी यू, ये देखिए आर से यू के बीच में ये आपका यहाँ मिल रहा है। देखिए आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी के बाद यू आता है, तो ये दो है बीच में क्या है, इससे ये मतलब नहीं है, लेकिन उतने ही वर्ड बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप, आर से यू के में एस टी यू, तो ये आपका एक केवल मिल रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल एक है जो कि आर और यू, ये इन दोनों के बीच में सेम वर्ड है, उतने ही वर्ड मिलेंगे। वही बोला मैं एग्जांपल जो आपको दिया था, सपोज करो ये रहता पी और आपसे पूछता क्या एस, तो कितने बीच में होंगे, क्यू और आर, दो का गैप होगा, तो वैसे ही इसमें है, तो केवल क्या आंसर हो जाएगा इसका, वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।